भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, याद है ना आपको, वहीं जिनका विमान पाकिस्तान के गांव में क्रैश हुआ था और वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। पूरे घटनाक्रम को एक साल बीत गया है, लेकिन जिन लोगों ने अभिनंदन को पकड़ा था उन्हें एक एक बात याद है। नियंत्रण रेखा पर बसे हुरान गांव से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया है, टेंस डे ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 48 इयर्स एन इंडियन पायलट इज नाउ इन पाकिस्तानी कस्टडी। इंडिया हैज डिमांडेड द रिलीज ऑफ अ फाइटर पायलट शॉट डाउन बाय पाकिस्तानी वॉर प्लेन्स। साल भर पुरानी उस मशहूर कहानी के वो पन्ने जो अब तक अनदेखे अनजाने हैं, वो यही लिखे गए थे। ये है हुरान गांव, जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का हिस्सा है। एक साल पहले यानी 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन का विमान यहीं गिरा था। चौधरी अब्दुल रजाक इसी गांव में रहते हैं। पैराशूट के सहारे उतरे अभिनंदन को सबसे पहले चौधरी अब्दुल रजाक ने ही देखा था। मैंने यके बाद दिगरे दो आवाजें सुनी, तो इसी थोड़ी देर के बाद मैं आसमान की तरफ देखा तो चिंगारी सी मुझे नजर आई, और थोड़ी देर के बाद वो नमाया होती गई। जो जो जहाज वो नीचे आता गया, वो जो चील का दरख्त है, वो जो ऊपर मकान है बिल्कुल इसके नीचे पैराशूट के जरिए अभिनंदन है, वो यहाँ नीचे उतरा। ये हमारा घर है, ये सामने। अब्दुल रहमान के जहन में सारी तस्वीरें ताजा हैं। वहाँ मैंने जब देखा पैराशूट नीचे आ रहा था, तो मैं वहाँ से चला, गिलास पानी का लिया और जग, तो पहले तो मैंने सोचा कि ये ऊपर इस दरख्त के ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर ऐसा उसने कुछ टर्न किया है, फिर इधर नीचे आया। यहाँ पे वो पहले खड़ा था, बाद में इधर ये ऐसे डोर लगा के ऐसे बैठा गया, लेकिन उसने अपना पिस्टल नीचे नहीं रखा, पिस्टल अपने पास रखा। लेकिन दोबारा उसने मुझे बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरी कमर टूट गई है और आप मुझे पानी पिलाएं। उसने मुझे बोला कि ये कौन सी जगह है। मैंने बोला ये तो इंडिया है। इंडिया कौन सी जगह है? मैंने बोला इंडिया ये किला है। उसने बोला, फिर उसने ऐसा किया कि ये आपने ऐसा पेड़ के ऊपर पिस्टल रखे, उसने हाथ ऊपर करके उसने हिंद का नारा लगाया, जय हिंद का नारा लगाया। नारा लगाने के बाद वो ऐसा बैठ गया, ऐसा बैठा है, बैठ के उसने जब आगे पीछे से लोगों ने शोर किया तो उसको पता लग चला कि ये तो इंडिया नहीं है, ये तो पाकिस्तान है। फिर उसने ऐसे बैठ के अपनी जेब से एक पेपर निकाला और उसका तावीज़ बना के उसने निगल लिया, फिर दूसरा निकाला, उसको उसने फाड़ के नीचे फेंक दिया। फिर उसने ऐसा पिस्टल मेरी तरफ पिस्टल करके इधर से नीचे भागा। ये अभी लंदन उधर से भाग के यहाँ पे आया, यहाँ से इधर भाग रहा था, लेकिन हमने घेरा उसको दिया और घेरे के बाद वो इधर खड़ा हुआ, खड़ा हो के उसने इधर छलांग लगाया, छलांग लगाने के बाद वो बाहर निकला, उधर से जाके उसने पानी पिया, पानी पी के वहाँ से वो नाले से भागा, फिर हमने आगे से जाके उसको रोका। रहमान अकेले नहीं हैं जिन्हें पूरी कहानी हू बहू याद है। हमने उधर से जहाज देखा इस साइड से, सामने से, तो उसको आग लगी हुई थी। पहले तो वो ऊपर था, धुआं नजर आ रहा था, बाद में जहाज नजर आया और वो जहाज जो है वो अचकोले ले रहा था उस साइड पे मल्ले पे, फिर आते आते वो इधर हो गया, इधर इस साइड से फिर यहाँ पे आकर गिरा, तो जहाज को आग लगी हुई थी, उसमें से धमाकों की आवाज भी आ रही थी और आग लगी हुई थी, तो बैक पे उसका जो है इंडिया का फ्लैग भी बना हुआ था। ये वो कहानी है जिसे न ये चश्मदीद भूलेंगे, न ये गांव भूलेगा और न ही विंग कमांडर अभिनंदन भूल पाएंगे। और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को भारत के सुपुर्द कर दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 विमान क्रैश क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें नजर डालनी होगी उस पूरे घटनाक्रम पर जो 14 फरवरी 2019 से शुरू हुआ। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाया गया। इसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई।
26 फरवरी को भारत ने दावा किया कि वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने भारत के दावों पर सवाल उठाया और 27 फरवरी को पाकिस्तान के विमान भारत के एयर स्पेस में दाखिल हुए। भारत ने दावा किया कि डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत के MiG-21 को मार गिराया। 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने पत्रकारों को बालाकोट में उस जगह का दौरा कराया जहां भारत ने स्ट्राइक का दावा किया था। इस दल में शामिल BBC के उस्मान जाहिद ने तब ये रिपोर्ट भेजी। जी, इस वक्त मैं ये बालाकोट के नवाई इलाके जाबा में ये जो मदरसा है जो इंडियन एयरफोर्स ने दावा किया था कि उन्होंने इसको हिट किया है उसके करीब पहुंच गया हूँ। ये यहाँ पे हमें लाया है ये सारा कुछ दिखाने के लिए। जी, मैं इस वक्त ये जो मदरसा के साथ मस्जिद का हॉल है मैं इसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे लगभग कोई 100 या 150 के करीब बच्चे जो हैं ये कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर भी है क्योंकि बच्चे सारे मिलकर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। किसी भी मदरसे के अंदर का जो मंजर हो सकता है वो यहाँ नज़र आ रहा है।